और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार बुरी तरीके से खेतने और भारी जनाक्रोश के दबाव में महिला सुरक्षा से जुड़ा विधेयक लेकर आई है। वैसे तो बीजेपी ने इस विधेयक को अपना समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी की कथनी और करनी पर सवाल खड़े किए हैं। किरण रिजिजू ने एक एक्स पोस्ट में ममता बनर्जी पर बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाही बरतने को लेकर निशाना साधा है। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर 2021 का एक पत्र साझा करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अपने सबसे पवित्र कर्तव्य की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि 2021 का ये पत्र स्पष्ट रूप से इसका प्रमाण है। 2021 में लिखे गए इस पत्र में ममता सरकार से बलात्कार जैसे मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का स्थापना और संचालन के लिए सहमति देने की अपील की गई। पत्र में 28,559 बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के जुड़े लंबित केसों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना के लिए अनुमति देने को कहा गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए राजनीतिक मुद्दा न बनाए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए बहुत सख्त कानून जरूरी है, लेकिन मजबूत कार्रवाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार कार्रवाई करने में विफल रही है।